हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे फ़िल्टर ऑप्शन और ये ऑप्शन कैसे काम करता है। फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही यूज़फुल फंक्शन है। जैसे हमारे पास बहुत ही बड़ा डेटा है, जैसा हज़ारों में डेटा है, और उस डेटा में से किसी एक व्यक्ति का हमको इन्फॉर्मेशन निकालना है, तब फ़िल्टर ऑप्शन बहुत ही हमको काम आता है। तो आइए हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हमको क्या करना है, कोमल का सेल निकालना है। तो जैसे हमने कहा था, यहाँ पे हमारे पास हज़ारों में डेटा है, तो कोमल का सेल्स कैसे निकालेंगे? तो हम लोग फिल्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैसे, यहाँ पे हम डेटा में कहीं पे भी हमारा माउस रख देते हैं और यहाँ पे फिर फिल्टर ऑप्शन में जाते हैं, फिल्टर को सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट आया हमारे पास। तो इसमें से हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल में से इसको हटा देते हैं और सिर्फ कोमल को हम क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। तो देखिए ये आंसर आ चुका है, वो बता रहा है सेल्स कितना हुआ है हमारा, तो 15,000 हुआ है। तो कोमल का सेल्स कितना हुआ है, 15,000। यहाँ पे पूरा डेटा निकल गया, सिर्फ कोमल का दिखा रहा है। तो इसी तरह से ये फिल्टर काम करता है। अब मुझे फिर से सारे डेटा लेके आना है, तो क्या करना है, फिर से सिलेक्ट ऑल के ऊपर मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। तो इस तरह से फिर से मेरा डेटा आ चुका है। अब अगर हम देखते हैं कि मुझे लोकेशन वाइज ढूंढना है, तो मान लो मैं लोकेशन में जाता हूँ और मुझे क्या करना है, सिर्फ वसई का मुझे सेल्स ढूंढना है। तो यहाँ पे मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, सिलेक्ट में से सिर्फ वसई के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे ओके करता हूँ। तो देखो हमारे पास वसई वाले जितने भी लोग थे इस डेटा में से वो आ चुके हैं। तो इसी तरह से हम लोग अलग अलग हेडिंग में से ढूंढ सकते हैं। फिल्टर में और भी ऑप्शन होते हैं, जैसे हम ये ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आता है फिल्टर बाय कलर। तो मुझे कौन से कलर वाइज डेटा निकालना है, तो मैं ब्लू कलर लेता हूँ। तो देखो ये हमको ब्लू कलर वाइज डेटा निकाल के दे देता है। उसी तरह से फिर से हम अंडू कर देते हैं यहाँ पे, और फिर देखिए यहाँ पे और भी ऑप्शन आता है, जैसे टेक्स्ट फिल्टर। तो यहाँ पे मैं बिगेंस विथ करूँगा, तो कौन से अक्षर से शुरू करना है मुझे डेटा निकालना है, तो मैं मानता हूँ एम से। तो देखिए एम वाले जितने भी है वो एम वाले का डेटा हमको निकाल के देता है। तो हम फिर से यहाँ पे जाते हैं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं, फिर टेक्स्ट फिल्टर के ऊपर जाते हैं और फिर एंड्स विथ पे जाते हैं। तो हमको क्या करना है, इस डेटा में से जो लास्ट अक्षर है, जैसे यहाँ पे देखो पटेल है तो एल, तो जितने भी एल वाले वो हमको फिल्टर करके देगा। तो यहाँ पे हम एल लगाते हैं और फिर यहाँ पे ओके करते हैं। तो देखिए जितने भी लास्ट में जो अक्षर है एल वाले वो सब हमको फिल्टर करके दे दिया है। तो इस तरह से फिल्टर में बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप ये करके देख सकते हो। सो दोस्तों, इस तरह से फिल्टर काम करता है। और इन शॉर्ट कहूँ तो फिल्टर ऑप्शन जो है हमको डेटा में से बहुत सारी चीज़ें छान के देता है, जो हमको चाहिए वो हमको छान के देता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।